आज हम बनाने जा रहे हैं चनों की चटपटी नमकीन, जिसे कि आप एक बार अगर बना के रख लेंगे उसके बाद वो महीनों तक चलती है, खराब ही नहीं होती। और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा और चटाकेदार होता है कि आप तो इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी बनती है ये चनों की नमकीन। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं दोस्तों बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम चनों को नल के पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। और नमकीन बनाने के लिए हमें मोटे वाले चने चाहिए, जो नॉर्मली साइज़ में आते हैं। एक वो छोटे वाले चने आते हैं, वो नमकीन बनाने के लिए नहीं चाहिए। तो धोने के बाद हम इन सारे चनों को एक साफ पानी में डाल देंगे। पानी हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, ताकि जब चने फूलें तो पानी कम ना पड़ जाए। अब इसमें डालेंगे हम एक छोटी चम्मच मीठा सोडा, उसी के साथ एक छोटी चम्मच नमक। अब इनको हम ढक के 7 से 8 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि चने जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं। तो 8 घंटे हो गए हैं और ये चने देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब इनका जो पानी है वो हम इन चनों को छानते हुए अलग कर देंगे, और फिर इन चनों को हम नल के पानी से अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए चने जो हैं वो कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब इन चनों को हम एक साफ़ कॉटन के कपड़े पे निकाल देंगे, और इन चनों को हम कॉटन के कपड़े पे चारों तरफ फैला देंगे, ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए। तो 1 घंटे के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद इन चनों का पानी जो है वो सूख गया है। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के अच्छे से गरम करेंगे। तेल को हमें इतना अच्छे से गरम करना है कि इसमें अच्छे से धुआं निकलने लग जाए। तो तेल जो है वो एकदम अच्छे से गरम हो गया है, और गैस जो है हमारी वो फुल फ्लेम पर ही है। अब हम इसमें एक कटोरी से चनों को डालेंगे। तो देखिए तेल कितना गरम है और ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्राई हो गए, तो वो भी हम आपको बताते हैं। जब ये चने अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो ये सारे के सारे चने तेल के ऊपर आ जाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सारे चने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और बीच बीच में इसका तेल जो है वो थोड़ा सा चटर पटर करता हुआ उछलेगा भी, तो आप दूसरे हाथ से थाली या कुछ ढक्कन वगैरह पकड़ लें, ताकि तेल जो है वो उछल के आपकी तरफ ना आए। बस हमें इन्हें अच्छे से फुल फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो सारे चने जो हैं वो तेल के ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये चने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए ये कुरकुरे भी हो गए हैं, इनकी आवाज़ आने लगी। तो अब हम इनको एक झारनी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमने सारे चने फ्राई कर लिए, और ये आखिरी चने जो बचे हुए हैं इनको फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल दिए कड़ी पत्ते। ये दोस्तों हमने इसमें ताज़ा कड़ी के पत्ते डाले हैं। अगर आपके पास ताज़ा कड़ी के पत्ते हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो कड़ी के पत्तों को भी हम अच्छे से इनमें फ्राई कर लेंगे, और फिर हम चनों को बाहर निकाल लेंगे। अब जाएंगे इसमें ये सारे मसाले, जिससे ये चने बनेंगे एकदम चटपटे और टेस्टी। इसमें डाल रहे हैं हम चाट मसाला, हींग, देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक। ये सारे मसालों का टेस्ट इन चनों में मिलके जो आएगा ना, वो ही इन चनों को एकदम चटपटा और टेस्टी बनाएगा। और ये जो मसाले हमने डाले हैं, ये आप अपने चनों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम चनों की नमकीन बना रहे हैं तो ये मसाले कम डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा चनों की नमकीन बना रहे हैं तो उस हिसाब से ये मसाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
बस इन मसालों को हमने अच्छे से इसमें मिला देना है और हमारी चटपटी चनों की नमकीन बनके तैयार है। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था ये चटपटे चनों की नमकीन बनाना। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि ये आप स्टोर करके कई महीनों तक रख सकते हैं। और इसका टेस्ट इतना चटपटा और मस्त होता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। ये बहुत ही कुरकुरी नमकीन बनती है। आप जब इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी और टेस्टी है। तो आप भी इस नमकीन को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये नमकीन कैसी बनी, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो ये थी दोस्तों हमारी चटपटे चनों की नमकीन बनाने की रेसिपी। तो मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना है, टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाना, बाहर का मत खाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।